हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना क्लास 11th फिजिकल साइंस में थर्मोडायनेमिक्स को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। इसमें स्टूडेंट, अभी तक हमने जो देखा था वो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए ही कॉमन था। तो आपने लास्ट टाइम हीट देखा था, वहां पर आपने हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और उसके बाद हमने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी देखा था। सो स्टूडेंट, अभी तक जो कुछ हमने किया वो थर्मोडायनेमिक्स के बिहाफ पर इम्पोर्टेंट था, लेकिन उसमें हमने उसे सब्जेक्ट की बाउंड्रीज में नहीं पढ़ा था। हमने उसे जो कुछ पढ़ा था वो एक थर्मोडायनेमिक्स की टर्मिनोलॉजीज थी। अब जो हम देखेंगे, आज मैं आपको सेपरेशन करवाते हुए चलूंगा केमिस्ट्री के लिए और फिजिक्स के लिए। तो ध्यान रखिएगा किस तरह से वो होगा, इनिशिएशन उसका होगा वर्क से। फिर उसके बाद के कुछ टर्म्स जो एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, इस टाइप के टर्म्स आपके केमिस्ट्री में आते हैं, उसे हम सेपरेट देखेंगे। और बाकी जो आपके एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन और कार्नोट इंजन और इसी तरह के जो और प्रोसेसेस होंगे जहां पर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम टाइप के वर्ड्स देखेंगे, वो आपका फिजिक्स में आएगा। तो आज के बाद से हमारा सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में। तो स्टूडेंट, अभी मैं जो दिखा रहा हूँ वो होगा वर्क डन और मैं आपको समझाऊंगा कि केमिस्ट्री में और फिजिक्स में इसे कैसे यूज करते हैं। यही एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन रहता है हमारे बीच में थर्मोडायनेमिक्स का, जो कि डिफरेंशिएट करता है 11th में फिजिक्स और केमिस्ट्री को। सो स्टूडेंट, जरा समझ लेते हैं यहाँ पर। तो जो आज हमारा टॉपिक होगा वो होगा मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, अनदर मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। जो हमने फर्स्ट टाइप का मोड देखा था वो था हीट, जिसमें हमारा एनर्जी का एक्सचेंज होता था। तो जो सेकेंड टाइप होगा वो होगा वर्क डन। इस वर्क की आज हमने स्टडी करना है, ठीक है ना। तो इसे हमने कहना चाहिए थर्मोडायनेमिकल वर्क, एक्चुअली थर्मोडायनेमिकल वर्क। लेकिन थर्मोडायनेमिकल वर्क है, आपने अभी तक शायद सुना होगा कि पीवी वर्क भी इसे कहते हैं। तो पीवी का मतलब हम कभी ये समझ लेते हैं कि थर्मोडायनेमिकल वर्क है तो ये और वर्क से डिफरेंट होता होगा। ऐसा नहीं है, वर्क की जो डेफिनेशन थी फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वही आपका वर्क होता है। तो वही फोर्स हमारा, वही वर्क हमारा यहाँ पर देखा जाएगा, ठीक है ना। तो हमने देखा था कि बेसिकली हम जानते हैं, देखिए यहां से मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास इस तरह का एक पिस्टन होगा, सिलेंडर होगा सॉरी, और सिलेंडर में हमारे पास कुछ एक गैस का अमाउंट होगा, मान लिया कुछ एन नंबर के मोल्स होंगे गैस के, और ये हमारा इसमें है पिस्टन। स्टूडेंट, क्या होगा अगर इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स, अगर इस तरह से रेंडमली अगर गैस मॉलिक्यूल्स इसमें है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब इसमें इतनी गैस फिल है। आप समझ पा रहे होंगे कि गैस इतनी फिल है जो इसका वॉल्यूम इतना बढ़ा पा रही है। मैंने आपको पिस्टन की प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में बताई थी, इसका मतलब कुछ गैस फिल है तभी ये पिस्टन हमारा शिफ्ट है, ठीक है ना। तो अगर इसमें गैस फिल है तो गैस के पास अपनी करेक्टरिस्टिक होगी, गैस के पास अपना प्रेशर होगा, गैस के पास अपना वॉल्यूम होगा, गैस के पास अपना टेम्परेचर होगा। तीन थर्मोडायनेमिकल जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो पीवीटी यहाँ पर होंगे, चौथा हीट कंटेंट जो एंथैल्पी होता है, उसे आगे आप समझ लेंगे क्या होता है, वो भी इसके पास है एक्चुअली। सो स्टूडेंट, अभी हम क्या देखेंगे, अगर हमारे पास इस तरह का सिस्टम है, इसमें गैस फील्ड है, तो आप जानते हैं कि गैस है तो गैस के पास अपना प्रेशर है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब ये कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं इस पूरे पिस्टन पर, इस पूरे पिस्टन की बात कर रहा हूँ, जो ये पूरी गैस हमारा इस पर एक फोर्स लगाएगी पर यूनिट एरिया पर, जिसे हम प्रेशर कहते हैं, ठीक है ना। जो अपनी ये मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे गैस की, ये हिट करेंगे इस वॉल को, और जो उनकी हीटिंग होगी तो उसी हीटिंग से हमारा फोर्स जनरेट होगा, और वो पर यूनिट एरिया में अगर निकालेंगे तो वही आपका प्रेशर होता है। तो स्टूडेंट, अगर मैं सपोज करता हूँ कि जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पिस्टन का ये जो सर्फेस आपको दिखाई दे रहा है, इसका अगर एरिया ए है, तो ये एरिया हमारा शिफ्ट होगा जब इस पर एक कोई फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स हमारा किसके कारण लगेगा, प्रेशर के कारण। आपने फ्लूइड मैकेनिक्स देखा था, जहां पर मैंने आपको बताया था थर्मोडायनेमिक्स, मैंने आपको बताया हुआ है कि फ्लूइड मैकेनिक्स थर्मोडायनेमिक्स में हम फोर्स को कन्वर्ट करते हैं प्रेशर की टर्म्स में, क्योंकि हमारा जो स्टडी होता है यहाँ पर वो प्रेशर को एज अ करेक्टरिस्टिक लिया जाता है, ठीक है ना। तो फोर्स लाइक टर्म्स को हम किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, प्रेशर में। तो अगर मैं बोलूँ कि इस पर कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा होगा इस पिस्टन पर, अगर इस पिस्टन का एरिया अगर मैंने बोल दिया ए है, ये पूरा एरिया ए है, समझ पा रहे होंगे आप पिस्टन किस तरह का होगा। पिस्टन कुछ इस तरह का होगा, इस तरह का फॉर्मेशन, ये जो इसका ये नीचे का दिखाई दे रहा है ये इसका एरिया होगा। तो मैं इस ए की बात कर रहा हूँ, ये जो दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट, इसका मीनिंग यहाँ पर ये होगा, अगर मैं बोलूँ कि ये जो होगा फोर्स एग्जर्ट बाय द गैस मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ पिस्टन, वो क्या होगा, वो अगर आप एफ को कैलकुलेट करें तो देखिए एफ कैसे निकाला जाएगा। आप जानते हैं कि प्रेशर एक्चुअली क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया हमारा प्रेशर होता था जो गैसेज ने एग्जर्ट किया था। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि फोर्स क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर गैसेस का और एरिया कौन सा वाला, ये जो पिस्टन का एरिया है। तो आप यहां पर चाहे तो लिख सकते हैं फोर्स एग्जर्ट बाय द गैस, लिख दीजिए
by the gas on the surface of piston, on the surface of piston. ठीक है ना, सरफेस ऑफ पिस्टन के ब्रैकेट में लिख सकते हैं, तो ए लिख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ए था क्या. ठीक है ना, तो उसकी वैल्यू हमने निकाली पी टाइम्स ए आई. सो स्टूडेंट ये पी टाइम्स ए आई, अगर आप यहां पर देखें कि ये हमारा निकल गया फोर्स. अब जब इस पर एक फोर्स लगा तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होने के चांस है, और डिस्प्लेसमेंट होगा ही क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में कि जो ये पिस्टन होता है ये क्या होता है आपका, इसका मास नेग्लिजिबल होता है और फ्रिक्शनलेस होता है. मतलब अगर इसमें एक हल्का सा फोर्स भी लगेगा तो ये डिस्प्लेस होगा ही होगा. क्यों? क्योंकि ये हमारा मास लेस है, मतलब अपनी इनर्शियल प्रॉपर्टी को शो नहीं करता ये पिस्टन. ठीक है ना, मतलब इनर्शिया मतलब रेजिस्ट नहीं करेगा, जो भी फोर्स आएगा उसके इन्फ्लुएंस में मूव कर जाएगा. सो स्टूडेंट ये जो हमारे पास, अगर आप उसी को यहाँ जूम में देख ले तो ये जो आपके पास इस सरफेस पर आपकी क्या पड़ा था, फोर्स. ठीक है ना, आप समझ पा रहे होंगे इस तरह से, इस पर आपका वो फोर्स एग्जर्ट हुआ था. तो ये हमारा कुछ शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, तो अगर स्टार्टिंग से जरा समझे, अगर यहां पर मैं मान लेता हूं कि ये ओरिजिन है हमारा. ठीक है, तो ओरिजिन के रेफरेंस में अगर ये पॉइंट x1 डिस्टेंस पर था, आराम से समझे जरा, इनिशियली जो हमारा पॉइंट था पिस्टन का वो x1 पोजीशन पे था इसके रेफरेंस में, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं. तो अब ये मतलब हुआ इसका कि आफ्टर एक्सपेंशन अगर ये पॉइंट x2 पर पहुंच जाता है, मतलब इस पॉइंट पर, समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ. तो स्टूडेंट इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ, ये टोटल x2 माइनस x1. ठीक है ना, क्योंकि x1 ये डिस्टेंस आपका x1 को शो कर रहा है और ये डिस्टेंस आपका x2 को शो कर रहा है, तो ये डिस्टेंस आप इजीली कैलकुलेट कर पा रहे होंगे कितना होगा, x2 माइनस x1. तो इस x2 माइनस x1 को ही हम dx भी कहते हैं. dx आप समझ पा रहे होंगे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करते हैं. तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या है, चेंज इन पोजिशन एक्चुअली. तो चेंज इन पोजीशन है वो हमारा dx से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और एक्चुअली ये है क्या, x2 माइनस x1, दैट इज चेंज इन द वैल्यू ऑफ दिस पोजीशन. ठीक है, सो स्टूडेंट इतना आप समझ पा रहे हो. तो यहां से इस पिस्टन को यहां शिफ्ट करवाने में जो वर्क डन हुआ होगा, उस वर्क डन को लेट सपोज dw अगर मैं कह देता हूं. ठीक है, स्मॉल वर्क डन, तो हम स्मॉल सेगमेंट के लिए बात करेंगे, उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, जनरलाइज. सो स्टूडेंट जो dw होगा, आप जानते हैं कि वर्क डन होता क्या एक्चुअली, आप यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स ना लगाएं, नॉर्मल मैकेनिज्म लगाएं, तो आप जानते हैं कि वर्क डन क्या होता है हमारा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो हम यहाँ पर देखेंगे एफ डॉट डीएक्स, आप समझ पा रहे होंगे डीएक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और ये डॉट प्रोडक्ट लिया मैंने यहाँ पर, और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, शायद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर. सो स्टूडेंट इस तरह से हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं डीडब्ल्यू को. तो आपने देखा ये फोर्स जो है, फोर्स तो इतना लग रहा है क्योंकि फोर्स को प्रेशर के टर्म्स में लिखना जरूरी है क्योंकि हमारा करेक्टरिस्टिक है प्रेशर. तो यहां पर मैं लिख सकूंगा फोर्स को P टाइम्स A और dx आपका dx. स्टूडेंट एक नोटिसेबल थिंग यहां पर जो है, सॉरी, जो यहां पर एक नोटिसेबल थिंग है वो ये है कि हमारा F डॉट dx होता है फॉर्मूला, है ना, आप जानते हैं F डॉट S होता है, फिर Fs cos थीटा होता है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. और यहां पर आप जान रहे हैं कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, इसका मतलब थीटा कितना है आपका, जीरो डिग्री, और cos जीरो की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है स्टूडेंट्स, वन, इसीलिए उसे कंसीडर नहीं किया गया. तो एफ डॉट डीएक्स का आंसर एफ डीएक्स ही होगा. तो आपने ये वैल्यू रख दी किसकी, फोर्स की, यहां पर, यहां से जो आपने समझा था आराम से समझे, और ये डीएक्स. स्टूडेंट आप देखेंगे पी इंटू एरिया और डीएक्स, आप जानते हैं क्या था बेसिकली, चेंज इन पोजिशन, एक्स टू माइनस एक्स वन, और ये आपका आया इक्वल डी डब्ल्यू. स्टूडेंट आप समझ पा रहे होंगे कि dx की वैल्यू x2 माइनस x1, मैंने आपको समझाया कैसे. तो अगर आप यहां पर देख लें इसे आराम से, हमारा जो dw आया वो कितना आया, p टाइम्स a x2 माइनस a x1. स्टूडेंट समझ पा रहे होंगे आपको, ये a x2 माइनस a x1, और आप जानते हैं कि एरिया इंटू आपका जो लेंथ की डायमेंशन है, एरिया आपका मीटर स्क्वायर होता है, और x2 आपका है क्या, एक पोजिशन, पोजिशन की यूनिट क्या होगी, मीटर, तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब होगा, मतलब एक वॉल्यूम होगा, मतलब V2 बोल देता हूं. ठीक है ना, इसी तरीके से इसको मैं V1 बोल दूंगा, तो ये आपका क्या आ गया, चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज dW इज इक्वल टू P टाइम्स चेंज इन वॉल्यूम. तो P डेल V आप इसे कह सकते हैं. स्टूडेंट आई होप इतना समझ में आ रहा होगा आपको कि हमारा P डेल V है, और इसी को आप चाहें तो P dV भी कह सकते हैं. ठीक है ना, एक ही मीनिंग होगा, जैसे हम यहाँ पर इसको डेल X भी कह सकते थे, तो चेंज इन वैल्यू ऑफ X बताएगा, और dx से भी ये उसी चीज को बता रहा है, इसीलिए आप इसे डेल पी कहीं या डीवी कहीं कुछ भी करें. सो स्टूडेंट जो यहाँ पर आपने चीजें समझी वो ये है कि जो हमारा स्मॉल वर्क डन था वो आपका आया पी डेल डी के.
इतना आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से यहाँ पर हुआ है, तो इतनी सी बातें यहाँ पर हुई। तो एक नॉर्मल है प्रोसीजर बताने के लिए, आपको थोड़ा सा लेंथी लगा होगा, वरना ये बहुत ही नॉर्मल है, दो लाइन का ये जस्ट था। सो स्टूडेंट आप थोड़ा समझोगे, मैं इसे रफ करता हूँ फिर आगे बात करते हैं। सो स्टूडेंट ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। आपने देखा डी डब्ल्यू आपका आया पी डब्ल्यू, ठीक है ना, देखिए जरा हमारा डी डब्ल्यू आया कितना, ई डेल बी, इस तरह से हमारा डी डब्ल्यू आया, जो वो स्मॉल वर्क डन था इस पिस्टन को मूव करवाने के लिए, जो इस गैस ने फोर्स लगाया था कहीं नियम उसे, जिसे हमने प्रेशर की टर्म्स में लिखा, वो हमारा वर्क डन इतना आया। अब स्टूडेंट ध्यान रखें कि ये जो हमारा प्रेशर निकला, जो हमारा वर्क डन निकला, ये वर्क डन, अब ये कहना कि वर्क डन बाय द गैस है, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम है या वर्क डन बाय द सराउंडिंग है, अभी कहना ये बहुत ज्यादा सही नहीं होगा। सो स्टूडेंट यहीं से हमारा डिफरेंशिएशन होगा अब फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच में, जरा उसे समझते हैं। देखिए स्टूडेंट हमारे पास यहां पर हम क्या करेंगे, हमारा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल बी, ठीक है ना, आप समझिए कि हमारा वर्क डन कितना है, स्मॉल वर्क डन पी डेल बी। अब एक जो नोटिसेबल थिंग है मैं आपको अब बताने जा रहा हूं, वो ये है कि फिजिक्स जब हमारा होगा, देखिए जब हम फिजिक्स देखेंगे और जब हम देखेंगे केमिस्ट्री, देखिए स्टूडेंट्स जब हम फिजिक्स देखेंगे और जब हम केमिस्ट्री देखेंगे डिफरेंस क्या होगा, फिजिक्स के टाइम आप क्या करेंगे, वर्क डन जो आपका होगा, अभी सॉरी मैं कुछ चीजें बताना बाकी है, अभी बताऊंगा आपको उसके बारे में, पी डेल बी इस तरह से, और जब आप केमिस्ट्री के टाइम देखेंगे तो वर्क डन आप लेंगे माइनस का पी डेल बी। ध्यान रखें स्टूडेंट इसमें कुछ चीजें बची हैं बताना, अभी मैं आपको बताऊंगा, ये आपका स्मॉल वर्क डन है, मैं अभी जस्ट आपको साइन कन्वेंशन समझा रहा हूँ और मैं आपको डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री समझा रहा हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स में किस तरह से देखेंगे। सो स्टूडेंट यहाँ पर आपने पॉजिटिव साइन भी सेट किया, अब आप जानते हैं कि वर्क डन बेसिकली है क्या, वर्क डन है हमारा एनर्जी की एक फॉर्म, ठीक है ना, एनर्जी की एक फॉर्म है जो कि एक मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर फॉर्म है, ठीक है ना, तो डिसऑर्डर फॉर्म कौन होती है, हीट। सो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा जो वर्क डन आया वो आया पॉजिटिव के साथ पी डेल बी और यहाँ आया नेगेटिव के साथ पी डेल बी, मतलब ये हुआ कि न्यूमेरिक वैल्यू तो सेम है, डिफरेंस है इस प्लस का और इस माइनस का, ये जो प्लस माइनस का डिफरेंस लगा ये साइंटिफिक नहीं है, ये एक लॉजिकल लगा रहा है, हमने यहाँ पर किसी भी तरह कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है कि क्यों ये प्लस और क्यों ये माइनस हुआ, लेकिन डिफरेंशिएट करने के लिए ऐसा हुआ। जरा आप बात को समझे, जरा हुआ क्या होगा, जरा समझे, अगर ये डेल बी जो मैंने यहाँ पर लिखा है, डेल बी था क्या, वी टू माइनस वी वन, ठीक है ना, अगर मैं इस पे केसेस लेता हूं, अगर मैं बोलता हूं इफ वी टू माइनस वी वन इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब क्या होगा, वी टू इज ग्रेटर देन वी वन, अगर वी टू ग्रेटर देन है वी वन से, वी टू का मतलब है आपका फाइनल वॉल्यूम, वी वन का मतलब है आपका इनिशियल वॉल्यूम, वी टू मतलब है वी फाइनल और वी वन मतलब है आपका वी इनिशियल, ठीक है ना, V2 फाइनल पोजीशन है, V1 इनिशियल पोजीशन। सो स्टूडेंट आपने देखा कि फाइनल पोजीशन अगर ग्रेटर हो किससे, इनिशियल पोजीशन, ऐसा कब पॉसिबल होगा, फाइनली अगर इनिशियली पोजीशन ये हो, फाइनली क्या होगी ये, इसका मतलब फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से क्या है, कम ज्यादा है, सॉरी यहाँ पर समझे, फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से ज्यादा तभी हो सकती है जब एक्सपेंशन हो, ठीक है ना, इनिशियल पोजीशन से ज्यादा हो जाएगी तो एक्सपेंशन, इसका मतलब ये बात चल रही है आपकी एक्सपेंशन। सो स्टूडेंट जरा यहां से समझे, जब V2 माइनस V1 पॉजिटिव होगा, मतलब ये डेल बी हमारा पॉजिटिव के लिए ही बात चल रही है, आप समझ रहे होंगे इसका मीनिंग क्या है, बेसिकली पॉजिटिव, V2 माइनस V1 ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि V2 माइनस V1 पॉजिटिव होगा, मतलब ये डेल बी पॉजिटिव होगा, मतलब ये थिंग आपकी पॉजिटिव होगी। सो स्टूडेंट अगर ये पॉजिटिव होगा तो आगे से भी पॉजिटिव साइन है, तो टोटल क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव आएगी, मतलब आपका वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव। सो स्टूडेंट आपने देखा एक्सपेंशन के दौरान आपका वर्क डन कैसा आया, पॉजिटिव, एक बात आपने यहां से समझी। अब दूसरी बात जरा यहां से समझिए, देखिए अगर ये डेल बी पर मैं केस लगाता हूं कि डेल बी अगर हमारा नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव आराम से समझ लें, V2 माइनस V1 लेसर देन जीरो, देन V2 इज लेसर देन V1, मतलब ये हुआ कि फाइनल वॉल्यूम कम हो जाए इनिशियल वॉल्यूम से, मतलब इनिशियली वॉल्यूम ये था, फाइनली वॉल्यूम ये हो गया, तो वॉल्यूम कम हो गया, तो इसका मतलब ऐसे वाले केस में आप देखेंगे कि प्लस है इसके आगे, पी के आगे, और ये साइन नेगेटिव आ गया क्योंकि मैंने यहां पर केस लिया, तो टोटल जो हमारा वर्क डन आ जाएगा वो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। ये दो बातें स्टूडेंट्स आप समझे, ठीक है ना, अब मैं जरा आपको एक बात बता देता हूँ क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है। फिजिक्स जब भी रेफरेंस लेगा, फिजिक्स जब भी साइड लेगा, तो फिजिक्स में हम प्रिफर करेंगे हमेशा सराउंडिंग, ठीक है ना, सराउंडिंग, फिजिक्स हमेशा सराउंडिंग को फेवर करेगा,
केमिस्ट्री हमेशा सिस्टम को फिगर करे, ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। थर्मोडायनेमिक्स में ध्यान रखने लायक वो ये है कि फिजिक्स हमेशा फेवर करेगा किसे, सराउंडिंग को, और केमिस्ट्री हमेशा फेवर करेगा सिस्टम को। मतलब ये कि फिजिक्स हमेशा सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में बात करेगा और केमिस्ट्री हमेशा सिस्टम के रेस्पेक्ट में बात करेगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हमारा वर्क डन पॉजिटिव आया, तो वर्क डन का मतलब है एनर्जी, तो एनर्जी पॉजिटिव आई, अब वो पॉजिटिव एनर्जी बता दिए कि पॉजिटिव का मतलब है गेन होना, नेगेटिव का मतलब है लॉस होना, तो एनर्जी का यहाँ गेन हुआ। और केस कौन सा था, एक्सपेंशन का, ध्यान रखिए एक्सपेंशन का। तो एक्सपेंशन में क्या होता है, गेन होता है, किसे गेन होता है, देखिए जरा आराम से, सिस्टम का तो लॉस हुआ क्योंकि वर्क डन किसने किया, सिस्टम ने, तो सिस्टम का लॉस होगा ड्यू टू ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ एक्सपेंशन। तो हम जब हमारा एक्सपेंशन होगा तो सिस्टम की एनर्जी का लॉस होगा क्योंकि सिस्टम कुछ वर्क करवा रहा है, लेकिन वो गेन किसे होगा, वो होगा सराउंडिंग को, ठीक है ना। तो वर्क जो सिस्टम ने वर्क करवाया वो किसको मिला, सराउंडिंग को, इसका मतलब सराउंडिंग को फायदा हुआ, मतलब सराउंडिंग के लिए पॉजिटिव साइन। कब आया, एक्सपेंशन में। जब हमारा डेल वी नेगेटिव था, नेगेटिव का मतलब फाइनल कम हो गया, इसका मतलब कंप्रेशन, स्टूडेंट आप देख रहे हैं कंप्रेशन के दौरान हमारा वर्क डन नेगेटिव आया, इसीलिए नेगेटिव आया क्योंकि कंप्रेशन करवाया किसने, सराउंडिंग ने करवाया, ठीक है। मतलब वर्क डन का लॉस किसे हुआ, सराउंडिंग को हुआ, इसका मतलब सराउंडिंग ने जब वर्क डन करवाया होगा तो उसकी कुछ एनर्जी का लॉस हुआ होगा, उस एनर्जी के लॉस को हमने यहां से समझा, ये नेगेटिव साइन बता रहा है। इसका मीनिंग इतना, ये कब था, फिजिक्स के केस में, क्योंकि फिजिक्स सराउंडिंग को फेवर करता है। सो स्टूडेंट आपने समझी एक बात, वो ये कि फिजिक्स हमेशा सराउंडिंग को फेवर करेगा, मतलब ये कि अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो ये लॉस किसका हो रहा है, ये सिस्टम का लॉस है, मतलब फायदा किसका है, सराउंडिंग का, इसीलिए पॉजिटिव वर्क डन होगा, कब, जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। और ऐसे ही अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो ये लॉस किसका हो रहा है, ये लॉस है सराउंडिंग का, क्योंकि सराउंडिंग कुछ वर्क करवा रहा है, मतलब एनर्जी लॉस करवा रहा है, इसलिए सराउंडिंग का जो वर्क डन होगा, मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, वो नेगेटिव होगा। आई होप स्टूडेंट आप यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नहीं हो रहे होंगे, अभी मैं इसे दोबारा से किसी दूसरे वे में आपको बताऊंगा, ठीक है ना, इसे हम समरी यहाँ पर करेंगे तब समझेंगे, अभी आप आराम से समझ लें मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। उसी तरीके से केमिस्ट्री के केस में अगर मैं बात करूं, डिफरेंशिएट जरा कर लें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम वर्क डन जब भी लेंगे माइनस पी डन वी, ठीक है ना। तो माइनस पी डन वी का मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर अगेन केसेस लू, अगर मैं यहाँ पर लू डेल वी इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो डेल वी पॉजिटिव का मतलब वॉल्यूम में चेंज पॉजिटिव है, मतलब वॉल्यूम पहले कम था अब ज्यादा हो गया, यही तो हुआ डेल वी का मतलब। मतलब ये हुआ कि ये एक्सपेंशन को शो कर रहा है, एक्सपेंशन को शो कर रहे हैं। सो स्टूडेंट अगर यहाँ पर मैं देखूं कि डेल वी पॉजिटिव हो जाए तो पॉजिटिव इनटू नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव, इसका मतलब आपका जो वर्क डन मिलेगा वो नेगेटिव होगा। एक बार ऐसे ही दूसरा केस हो सकता है, इफ डेल वी इज इक्वल टू नेगेटिव, अगर डेल वी नेगेटिव हो, मतलब वॉल्यूम में चेंज तो आए लेकिन नेगेटिव चेंज, मतलब वॉल्यूम पहले 10 था तो अब 5 हो गया, मतलब कम हो गया, तो इसका मतलब आप समझ गए कि ये किसका केस है, कंप्रेशन का। सो स्टूडेंट अगर आप डेल वी को यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे, जो भी आंसर आएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव इस नेगेटिव को क्या करवा देगा, पॉजिटिव, तो इसलिए स्टूडेंट ये वर्क डन आपको कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। अब स्टूडेंट जरा आप समझते हैं हुआ क्या होगा, यहाँ पर आपने देखा कि एक्सपेंशन हुआ, अब केमिस्ट्री की बात चली, केमिस्ट्री फेवर करेगा सिस्टम को, तो एक्सपेंशन जब होता है तो वर्क कौन करवाता है, वर्क करवाता है सिस्टम, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, तो एनर्जी का लॉस किसका होगा, सिस्टम का, इसका मतलब जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो एक्सपेंशन होता है और सिस्टम अपनी एनर्जी लॉस करता है, इसीलिए वर्क डन नेगेटिव आना चाहिए, इसीलिए वर्क डन नेगेटिव। लेकिन स्टूडेंट जब वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, जब वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, मतलब कंप्रेशन का केस है, तो उस समय आपका जो एनर्जी लॉस हो रहा है वो किसका है, सराउंडिंग का, और जो एनर्जी गेन हो रहा है क्योंकि वर्क डन सिस्टम पर हो रहा है, मतलब कि वर्क डन एनर्जी की फॉर्म है, सिस्टम को एनर्जी मिल रही है, तो उस समय आपका ये वर्क डन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, जो कि पॉजिटिव है। सो स्टूडेंट बिल्कुल इसमें किसी भी तरह का डाउट ना करें, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, और यही है आपका मेन डिफरेंस जो फिजिक्स और केमिस्ट्री को डिफरेंशिएट भी करता है। सो स्टूडेंट आप समझ ही चुके होंगे कि जो ये साइन है यहाँ पर, इस पर जो पॉजिटिव साइन आया है और जो इस पर नेगेटिव साइन आया है, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर हमने किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको कि सिस्टम के लिए हम इसे पढ़े, इसे हम सराउंडिंग के लिए पढ़े, तो मैथमेटिकली इस बात को कैसे कहा जाएगा, तो वो ऐसे ही कहा जाएगा। तो आप देखेंगे बातें कहीं पर भी कॉन्ट्राडिक्टिव नहीं हुई है, सभी बातें बता रही हैं कि जो हम पढ़ना चाह रहे थे उसी को फेवर कर रही है। तो अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इस वाले को एक्सेप्ट कर लें, और उसके बाद अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इसको एक्सेप्ट कर लें, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो जहां आप जैसे देखेंगे उसके रेफरेंस में, तो मेन बात आपको ध्यान रखनी है क्या,
वो ये कि फिजिक्स में हम सराउंडिंग को फिगर करेंगे, केमिस्ट्री में हम सिस्टम को, मतलब जितने एक्सपेंशन या कंप्रेशन होंगे वो सराउंडिंग के लिए होंगे फिजिक्स में, मतलब सराउंडिंग का फायदा हुआ या घाटा, और यहाँ पर देखेंगे हम कि सिस्टम का प्रॉफिट है या सिस्टम का लॉस। सो स्टूडेंट आपने एक जो बात देखी, अभी मैं फिलहाल फिजिक्स को ही कैरी करूंगा, तो आप देखेंगे फिजिक्स में हम क्या करेंगे, प्लस पीडीवी वर्क डन लेंगे हमेशा, ठीक है ना, वर्क डन कितना लेंगे प्लस के साइन के साथ। और ध्यान रखें जब केमिस्ट्री का मैं करवाऊंगा वहां मैं माइनस का पीडीएफ भी लूंगा, लेकिन मैं ये बातें उसमें नहीं बताऊंगा, यहीं पर आपने कर दी। सो स्टूडेंट इसे मैं रब कर रहा हूं, इसे बिल्कुल आप समझ लें, देखिए जरा इसे स्टूडेंट से एक बार आराम से समझ लीजिएगा जो मैंने अभी बताया था, अगर कोई क्वेरीज हो तो आप जरूर पूछिएगा। तो अभी देखते हैं हम यहाँ पर क्या होगा, अभी हम अगर मैं बात करूं यहीं से आगे हमारे पास प्रोसेसेस थे, अभी सॉरी छोटी सी बात रह गई थी, dW इज इक्वल टू हमारा होता है, अभी मैंने देखा फिजिक्स के लिए pdV, ठीक है ना, pdV इस तरह का आया था, डेल वी या dV। और स्टूडेंट ये स्मॉल वर्क डन है, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे पूरा वर्क डन कंप्लीट वर्क डन मिले, जैसे कि मैंने एक स्मॉल सेगमेंट का वर्क डन करवाया, तो वर्क डन तो कभी ज्यादा कम भी हो सकता है, तो इस स्मॉल जो सेगमेंट हमारा था उससे अगर मुझे ज्यादा वर्क डन चाहिए, तो ज्यादा वर्क डन के लिए मैं क्या करूंगा, ये स्मॉल सेगमेंट का इंटीग्रेशन कर दूंगा। आप जानते हैं इंटीग्रेशन से क्या होता है, छोटे छोटे सेगमेंट का एडिशन होता है। तो ये आपने स्मॉल वर्क डन करवाया तो ये डब्ल्यू हो गया, और इस तरह से यहाँ पर आपका जो बचा वो है क्या, इंटीग्रेशन के अंदर PdV। तो प्लस साइन मैंने आपको समझाने के लिए लगाया था, कोई जरूरत है नहीं उसकी, तो आप समझ गए W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV। इतनी बात समझ में आ गई स्टूडेंट, जरा आप बात को थोड़ा सा समझ लें, जरा ये टॉपिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ हल्का सा 12th क्लास से रिलेट करता है, जहां पर हमने इंटीग्रेशन पढ़ेंगे आप अपनी नेक्स्ट क्लास में, वहां पर हमारे पास एक टॉपिक होता है वो है आपका इंटीग्रेशन, और उसमें हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जब देखते हैं तो हमें एक बात पता चलती है कि अगर कोई एक कर्व इस तरह का एक कर्व है, कोई भी कर्व है, जैसे आप समझ लीजिए y इज इक्वल टू fx टाइप का कोई भी कर्व है, बिल्कुल डाउट मत कीजिए कि y इज इक्वल टू fx क्या है क्या नहीं है, बहुत नॉर्मल सा है, मैंने बोला कुछ भी कर्व है, सपोज कर लीजिए y इज इक्वल टू x स्क्वायर टाइप का कुछ भी कर्व, तो इस पर आपको नहीं जाना, बिल्कुल आप बात समझे। अब अगर ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है, तो मैं स्टूडेंट अगर यहां से लेकर यहां तक का एरिया फाइंड करना चाहता हूं, ठीक है, एरिया अंडर दिस कर्व, तो अगर मुझे ये एरिया फाइंड करना है तो मुझे ये पूरा का पूरा एरिया यहाँ पर इसका निकालना पड़ेगा, कौन सा एरिया, ये शेडेड रीजन। अब इस शेडेड रीजन को निकालने के तरीके क्या है स्टूडेंट, ज्यादा ध्यान रखें इस तरीके को, यहाँ पर हम क्या करते हैं, छोटी सी स्ट्रिप ले लेते हैं, छोटी सी का मतलब उसकी बर्थ कम हो, ठीक है ना, तो हमने कोई भी स्ट्रिप ले ली इस तरह की यहाँ पर ये। अब इस स्ट्रिप की खासियत क्या है कि इसका जो सेगमेंट का जो बर्थ है वो बहुत कम है, मतलब डी एक्स, ठीक है, हमने कहाँ ड्रॉ करी, x एक्सिस पर, और dx वृद्ध की है हमारे पास है, और इसकी लेंथ कुछ ना कुछ होगी, कोई सिग्निफिकेंट है, मतलब कोई y लेंथ इसकी, स्टूडेंट आप समझ चुके हैं ये y लेंथ इसकी है। तो इस स्ट्रिप का अगर आप एरिया निकालें तो कितना निकलेगा, लेंथ इंटू विड्थ, तो आप देखेंगे y इंटू dx, ये इसका एरिया होगा, ठीक है, जो एरिया इसका निकला, एरिया कितना निकला, एरिया ऑफ दिस स्मॉल सेगमेंट, आप मैं स्मॉल सेगमेंट को कुछ ds कह देता हूं, तो आपका इसका एरिया कितना निकला, y इंटू dx। तो अगर मुझे ये पूरा एरिया यहां से यहां तक का एरिया चाहिए तो मुझे ऐसी छोटी छोटी सारी स्ट्रिप्स को क्या कर देना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए आपस में, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, मतलब इसकी जैसे जितनी स्ट्रिप्स हैं उन सभी को मुझे क्या कर देना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए। तो एडिंग का मतलब आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन होता है कैलकुलस की लैंग्वेज में, तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट का मतलब ये हुआ कि ये डीएस जो था अब एस बन गया, मतलब इसका पूरा एरिया बन गया, और यहां पर आपके पास क्या बचा, इंटीग्रेशन के अंदर वाई डीएक्स। स्टूडेंट आपने क्या एक टेक्निक देखी, वो टेक्निक ये है मॉडर्न मैथमेटिक्स की, कैलकुलस की, जिसमें हम इंटीग्रेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे क्लास 12th में जब आप जाएंगे। तो स्टूडेंट अभी आप समझ गए कि जो एरिया अंडर द कर्व निकालना होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स के फॉर्मूले से निकलेगा। सो स्टूडेंट इतना समझ चुके हैं। तो अगर मैं आप यहां दिखाऊंगा, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होती थी, ये हमारे पास वाई एक्सिस, इतना समझ चुके हैं। अगर मैं बोलूं कि ये वॉल्यूम की एक्सिस है, और अगर मैं कहूं कि ये प्रेशर की एक्सिस है, स्टूडेंट इस बार क्या हुआ, मैंने एक्स एक्सिस को रिप्लेस किया वॉल्यूम की एक्सिस से, वाई एक्सिस के प्लेस पे मैंने प्रेशर की एक्सिस रखी। तो अब मेरे पास कोई भी एक कर्व अगर आता है पी और बी के बीच में, आप जानते हैं कि पी और बी के बीच में हमारे पास स्टेट हमने देखे थे पहले भी, हमारे इंडिकेटिंग डायग्राम बनते हैं, तो हमने देखा कि कोई भी एक कर्व है ना, मतलब जो बता रहे हैं कि स्टेट में कैसे चेंज हो रहे हैं प्रेशर और वॉल्यूम के रेफरेंस में। तो जो हमारे पास कर्व बना होगा, अगर मैं यहाँ पर इस कर्व का एरिया निकालता हूँ, जरा आराम से समझे, तो एरिया निकालने का प्रोसीजर क्या होगा उसके थ्रू, आप देखेंगे कि मैं यहाँ से एक सेगमेंट ड्रॉ करूंगा,
सेगमेंट का जो विड्थ होगा वो कितना होगा, जैसे वहां पर डीएक्स था क्योंकि एक्स की एक्सिस थी तो यहाँ वी है तो कितना होना चाहिए स्ट्रेंड्स, यस ये डीवी होना चाहिए, ठीक है ना, स्मॉल सेगमेंट का जो विड्थ होना चाहिए डीवी, तो ये डीवी होना चाहिए, तो ये कितना होना चाहिए, आप जानते हैं प्रेशर की एक्सिस है, ये प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब अगर मुझे इसका ये एरिया चाहिए ये वाला स्मॉल सेगमेंट का जो स्मॉल स्ट्रिप मारिए तो वो एरिया आएगा पी डी वी, और अगर मुझे टोटल एरिया चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा इंटीग्रेशन, समझ में आ रही है बात, मैं इंटीग्रेशन अगर करूंगा तो इसका मतलब है ऐसी छोटी छोटी स्ट्रिप्स का मैंने एडिशन कर दिया। सो स्टूडेंट आपने क्या देखा कि जो हमारा एरिया अंडर दिस पीवी कर्व जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है इस इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी को, और हमने देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी तो डब्ल्यू के इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा पीवी कर्व कभी भी गिवन हो तो अगर हम एरिया अंडर दिस पीवी कर्व अगर निकालते हैं या निकाल पाते हैं अगर इस एरिया को इस मेथड से या किसी भी मेथड से, तो जो भी हमारा एरिया होगा वो एरिया रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्टली किसी वर्क डन को, बात आपको समझ में आ चुकी होगी, आराम से इसे रिलेट करें। सो स्टूडेंट ये आपने बात समझ ली होगी, एक जरा नोट में लिख दें कि एरिया अंडर दी पीवी ग्राफ रिप्रेजेंट दी वर्क रिप्रेजेंट दी थर्मोडायनेमिकल वर्क डन, तो आप समझ में आ गई बात, इसे आप समझ लें। सो स्टूडेंट मैं इसे रब कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, हम बहुत यूज करेंगे, आप इसे समझ लें, और यहां तक कि मैंने आपको ये बताया था जब हमने स्टार्टिंग में शुरू किया था इंडिकेटिंग डायग्राम में, मैंने रेफरेंस दिया था आपको जब मैं आपको प्रोसेसेस समझा रहा था इंडिकेटिंग डायग्राम में, तब मैंने आपको बताया था कि एरिया अंडर द कर्व वो किसे रिप्रेजेंट करता है पीवी कर्व में वर्क डन को। सो स्टूडेंट इतना आपने देख लिया, तो अभी आपने तो उससे पहले जस्ट देखा था वो देखा था फिजिक्स और केमिस्ट्री में, हम फिजिक्स में पीडीवी बोलते हैं वर्क डन को और केमिस्ट्री में माइनस पीडीवी, तो एक साइन कन्वेंशन है जस्ट हमें समझने के लिए, उसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, हमें जस्ट वर्क को बताना है कि किसके रेफरेंस में, वरना जो वर्क की आपकी न्यूमेरिक वैल्यू है वो जरूर साइंटिफिक है पीडीवी, ठीक है। अब स्टूडेंट अगर हम डिफरेंट प्रोसेसेस में वर्क डन को देखें, तो अगर मैं देखूं यहां हमारा टॉपिक होगा वर्क डन फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस, वर्क डन फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। सो स्टूडेंट हमारे पास आपने देखा है कि कितने तरह के प्रोसेस हैं, चार तरह के प्रोसेस हैं क्योंकि चार तरह के हमारे पास थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल भी है, हमारे पास स्टूडेंट जो प्रोसेस हैं वो हैं आपके पास आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक। सो अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात करता हूँ आपके साथ आइसोकोरिक से ही मैं बात करता हूँ, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोकोरिक वर्क डन फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। सो स्टूडेंट आपने देखा, अभी मैं फिजिक्स के रेफरेंस में बात करूंगा, जरा आराम से समझे, मैं अब आपके साथ फिजिक्स में ही चलूंगा इस टॉपिक इस वीडियो में, उसके बाद फिर देख लीजिएगा जिस तरह से डिफरेंशिएट किया गया हो, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूंगा कि मैं किस थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स का है या केमिस्ट्री का, फिलहाल अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो फिजिक्स के रेफरेंस में होगा और आप समझ भी जाएंगे जब मैं यहाँ पर कन्वेंशन का ध्यान रखूंगा। तो आइसोकोरिक आप जानते हैं इसका मेनली मतलब है बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए, मतलब अगर मैं डेरिवेटिव लूँ का इस तरफ तो डीवी और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप जानते हैं जीरो होगा, और हम वैसे भी समझ पा रहे होंगे कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है तो वॉल्यूम में चेंज तो जीरो होगा ऑब्वियस है, तो आप समझ पा रहे होंगे। सो स्टूडेंट अगर मुझे वर्क डन निकालना हो तो मैंने वर्क डन लिखा था आपका डी डब्ल्यू इक्वल टू प्लस साइन के साथ पी डीवी, तो मैं इसका ध्यान रखूंगा, मैं प्लस लगा के दिखा दूंगा आपको ताकि आप समझ जाए कि फिजिक्स है, तो प्लस पीडीवी का मीनिंग होगा कि अगर आप देखें डीवी की वैल्यू आप इजीली लिख सकते हैं जीरो है, तो स्टूडेंट इसमें ज्यादा कुछ बोलने वाली बातें हैं नहीं, वर्क डन जीरो होगा और बात ट्रू है, डीवी मैंने वहां से रखा बात ट्रू है क्योंकि अगर हमारा कोई ऐसा सिलेंडर है जिसकी बाउंड्रीज रिजिड है मतलब फिक्स्ड है, तो ऐसे बाउंड्री में वर्क डन क्या होगा जीरो, क्योंकि उसकी बाउंड्री जब हिल ही नहीं पाएंगी तो वर्क डन कैसा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा, इसलिए इसका वर्क डन जीरो होगा फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर मैं बात करूं आइसोबारिक, जरा मैं इसे यहां पर कर देता हूं थोड़ा सा, देखिए अगर हम देखें वर्क डन फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्क डन फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक का आप नहीं जानते हैं, व्हेन पी इज इक्वल टू कांस्टेंट दैट इज डीपी इज इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट आपने देखा कि वर्क डन क्या होता है पीडीवी इन केस ऑफ फिजिक्स प्लस पीडीवी, ये आपने देखा। स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, अगर मुझे वर्क डन निकालना है फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, तो आइसोबारिक का मतलब है पी कॉन्स्टेंट है, तो मैं वर्क डन निकाल रहा हूं तो मैं क्या करूंगा दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूंगा, क्योंकि मुझे वर्क डन की डेफिनेट वैल्यू चाहिए, वो एक स्मॉल सेगमेंट के लिए नहीं चाहिए, मुझे एक पर्टिकुलर वर्क डन चाहिए किसी सिग्निफिकेंट डिस्टेंस पर, तो इसका तो डब्ल्यू हो जाएगा आप जानते हैं डी डब्ल्यू का, ये आप जानते होंगे, छोटी सी बात है मैंने बहुत पहले भी आपको बताई है तो इसलिए मैं अभी कम से कम इसे नहीं बताऊंगा। तो यहां पर आपने देखा इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, इसका मतलब ये होगा क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा,
थोड़ा बहुत आप जानते होंगे, वैसे तो आपकी क्लास ट्वेल्थ में आएगा ही, लेकिन बहुत कुछ आप जान चुके होंगे अभी तक शुरुआत से करते हुए आ रहे हैं कैलकुलस को, तो प्रेशर आपका क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन की और ये डी हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन ध्यान रखें हमारे पास दो तरह के होंगे, हम अगली क्लास में देखने वाले हैं, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर आपको बोल दिया जाए कि इंटीग्रेट करो तो आप इंटीग्रेट करके आंसर कुछ देंगे, लेकिन वो आंसर आपका कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा एक्स वाई किसी पर भी। लेकिन स्टूडेंट अगर आप बोलते हैं कि यहां से लेकर आपको यहां तक इंटीग्रेट करना है, तो जहां पर आप कुछ बाउंड्रीज दे देते हैं कि एक्स वन से लेकर एक्स टू तक, ऐसे इंटीग्रेशन को हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, वहां पर एक न्यूमेरिक आंसर आता है। तो हम यहाँ पर एक डेफिनेट इंटीग्रेशन के थ्रू से करेंगे, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि जो हमारा वॉल्यूम में चेंज हुआ वो किसी सर्टेन पोजीशन, जैसे पोजीशन यहाँ पर वी वन है, मतलब इतना जो वॉल्यूम दिखाई दे रहा है वी वन है, तो अगर इससे ऊपर पहुंचता है इस पॉइंट पर तो ये वॉल्यूम वी टू होगा, मतलब ये पूरा का पूरा वी टू होगा। मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि हम वी वन के पॉइंट से वी टू के पॉइंट तक गए, मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम ये इनिशियल को बताता है, ठीक है ना, इनिशियल स्टेट को क्या कहते हैं, लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट v1 है, अपर लिमिट v2 है, मतलब v1 से लेकर v2 तक इंटीग्रेट करो, ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पर ये v1 है और यहाँ पर ये v2 है। सो स्टूडेंट आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको, हल्के हल्के से assumption है, और assumption नहीं है एक्चुअली, ये रूल है और बिल्कुल साइंटिफिक है और बिल्कुल ट्रू है, आराम से समझेंगे। सो ये वर्कडन हमारा आया पी डी वी, और ये आपने देखा तो डी वी का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, डी वी का इंटीग्रेशन कितना होगा v, क्योंकि आप जानते हैं कि dx का इंटीग्रेशन x होता है। स्टूडेंट फिर भी मुझे बताने का एक बार मन कर ही रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास अगर dx है इसका इंटीग्रेशन, मैं फटाफट आपको दिखा रहा हूँ कैसे करेंगे, x की पावर जीरो dx, क्योंकि x की पावर कुछ भी नहीं है, मैं हल्का सा हिंट दे रहा हूँ, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन, ये आपका आंसर आएगा। आप समझ चुके होंगे, मैंने जस्ट हिंट दिया है आपको, तो कितना आएगा x, इसीलिए dx का x आता है, तो dv का कितना आएगा v, और यहाँ पर आप लिखेंगे लिमिट v1 टू v2, ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखिए बॉक्स लगाया जाता है v1 से v2 तक, और उसके बाद हम अपर लिमिट को एक बार वेरिएबल के केस पे रखते हैं और माइनस के साइन के साथ लोअर लिमिट को, इस तरह से हमारा वर्कडन जो अभी निकलेगा वो दिख रहा है। सो स्टूडेंट आपने क्या देखा, आपका वर्कडन कितना है पी वी टू माइनस वी वन, वी कैन से इट पी डेल वी, तो आप इसे पी इंटू डेल वी भी कह सकते हैं, क्योंकि डेल वी रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन वॉल्यूम को। तो आराम से समझिए, पहले आपका PDV आया था जो कि इंटीग्रेशन के अंदर था, अभी आपका आंसर आया है PD, वो स्मॉल सेगमेंट के लिए था, ये पूरे सेगमेंट के लिए P into del V, मतलब जब कांस्टेंट प्रेशर रहता है, तो अगर आपका कांस्टेंट प्रेशर पे पिस्टन यहां से यहां शिफ्ट हुआ तो प्रेशर, तो क्योंकि यहां से आकर कांस्टेंट है तो प्रेशर आप पी लीजिए, और जितना चेंज हुआ वी टू माइनस वी वन, जो चेंज इन वॉल्यूम है उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए प्रेशर से, वो आपका वर्क डन, एक बहुत ही लॉजिकल एक यहां पर निकला। लेकिन कुछ बातें इसमें समझने लायक है जो हम समझेंगे। स्टूडेंट आपने देख लिया बहुत ज्यादा नॉर्मल है, मैं कुछ बातें थोड़ा सा कर दे रहा हूँ अगर किसी को नहीं आता होगा इससे रिलेट करने की, करना बहुत इजी है, ठीक है ना, जैसे मैं छोटे छोटे इंटीग्रेशन में आपको दिखा दिया, उसकी नीड नहीं थी वैसे यहाँ पर। देखिए डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या है पी डेल वी, अब केस बन सकता है जैसे मैंने आपको बनवाए थे, इफ डेल वी इज इक्वल टू पॉजिटिव, सेकेंड केस इज इफ डेल वी इज इक्वल टू नेगेटिव, दो केस बन सकते हैं। तो डेल वी पॉजिटिव का मतलब आप समझ ही चुके होंगे कि फाइनल वॉल्यूम क्या होगा ज्यादा, इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा कम, मतलब अब मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं, मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था कि डेल वी का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव, मतलब वॉल्यूम में जो चेंज हुआ वो पॉजिटिव चेंज है, मतलब वॉल्यूम पहले ये था तो अब ये हो गया, मतलब स्टूडेंट ये एक्सपेंशन की बात है, एक्सपेंशन की बात है। तो डेल वी अगर पॉजिटिव होगा तो इसका आंसर जो भी है वो पॉजिटिव ही आएगा, मतलब पॉजिटिव आंसर आएगा, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू आएगी और एक पॉजिटिव आंसर। लेकिन डेल वी अगर नेगेटिव हो, डेल वी नेगेटिव मतलब वॉल्यूम में चेंज कैसा है, नेगेटिव चेंज मतलब कंप्रेशन। स्टूडेंट कंप्रेशन का मतलब अगर आप डेल वी को नेगेटिव वैल्यू को अगर यहां रखेंगे तो प्रेशर तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव आपका नेगेटिव हो जाएगा, मतलब वर्क डन आपका नेगेटिव हो जाएगा। स्टूडेंट समझते हैं जरा कि हुआ क्या होगा, आप जानते हैं हम फिजिक्स के लिए देख रहे हैं, शुरू से प्लस पीडीवी लेकर चल रहे हैं, इसका मतलब फिजिक्स के लिए, तो यहाँ पर जितनी बातें होनी चाहिए वो किसके रेफरेंस में होनी चाहिए, सराउंडिंग के, मतलब सराउंडिंग का प्रॉफिट और सराउंडिंग का लॉस। तो अगर यहाँ पॉजिटिव वर्कडन है तो पॉजिटिव वर्कडन रिप्रेजेंट कर रहा है कि सराउंडिंग का कहीं ना कहीं फायदा हुआ है। तो स्टूडेंट सराउंडिंग का फायदा मतलब ये हुआ कि अगर मैं देखता हूँ कि एक्सपेंशन का केस है, एक्सपेंशन में आपका पिस्टन ऊपर शिफ्ट होता है,
तो वर्क डन क्या होता है बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम की एनर्जी में लॉस हो रहा है, तो फायदा किसे हो रहा है सराउंडिंग को, इसलिए वर्क डन पॉजिटिव आया। लेकिन अगर कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब सिस्टम को फायदा हो रहा है, तो लॉस किसका हुआ सराउंडिंग का, इसलिए निगेटिव साइड। सो स्टूडेंट आई होप आप समझे होंगे कि क्या यहाँ पर हुआ था, ये था आपका कौन सा आइसोबारिक का केस। सो स्टूडेंट आपने देख लिया कि आइसोबारिक के लिए भी वर्क डन कैसे निकलेगा, और आप यहाँ इनकी जरा मीनिंग समझते हुए चले, और इसी को अगर आप केमिस्ट्री में करेंगे तो ऑपोजिट होगा, ठीक है ना, तो वहां पर देख लीजिए आप एक बार केमिस्ट्री में करके भी, तो आपको पता चलेगा कि कितना लॉजिकल था ये साइन कन्वेंशन, जो हमने हल्का सा साइन कन्वेंशन शुरुआत में लिया है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टूडेंट हमने दो तरह के प्रोसेसेस में वर्क डन देख लिया, अभी जो मैं थर्ड आपको दिखाऊंगा वो होगा वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, जो इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट यह है वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, स्टार्टिंग वहीं से करेंगे, फिजिक्स चल रहा है, अगेन बता दूं dW इज इक्वल टू प्लस PdV, तो dW इज इक्वल टू प्लस PdV का मतलब ये हुआ कि हमारा जो वर्क डन था जैसे कि हम करते थे PdV होता था dW आपका, अब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा, तो इंटीग्रेट करूंगा तो आपका एक कैपिटल वर्क डन निकलेगा जो टोटल वर्क डन का अमाउंट होगा। स्टूडेंट जरा बात समझ ले, आइसोथर्मल प्रोसेस का मीनिंग होगा P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आप समझते हैं इसका मतलब dT इज इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट जब t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, अब हम यहाँ पर देखें कि t का तो कोई इस्तेमाल है नहीं यहाँ पर, तो कैसे क्या करें हम यहाँ पर जरा समझते हैं। हम देखेंगे कि फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन वी नो दैट PV इज इक्वल टू nRT, तो हम जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से PV इज इक्वल टू nRT होता है, यहाँ पर लिख लीजिएगा फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, तो PV इज इक्वल टू nRT क्योंकि इन दिस केस टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सो वी कैन से दैट PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्यों कहा मैंने सर स्टूडेंट, क्योंकि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट होता है जो कांस्टेंट ही रहेगा, और एन नंबर ऑफ मोल्स होते हैं जो जिस गैस पर आप वर्क डन कर रहे हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स पर आप कोई चेंज नहीं कर रहे, क्योंकि गैस पर जितनी नंबर ऑफ मोल्स हैं उतने हैं, अगर आप गैस वहां पर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं या गैस निकाल रहे हैं तो आपके नंबर ऑफ मोल्स में चेंज कर रहे हैं, तो अभी के केस में नंबर ऑफ मोल्स में चेंज नहीं हो रहा, मतलब तीनों ही क्वांटिटीज कांस्टेंट है, समझ आ रही है, इसका मतलब ये सब कुछ कांस्टेंट हो गया, मतलब पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। इतना स्टूडेंट आप समझ पा रहे होंगे आइसोथर्मल प्रोसेस का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आइसोथर्मल प्रोसेस का केस है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको याद करना है, आपको आराम से प्रोसेस के थ्रू चलना है, और आप जानते भी हैं कि PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बॉयलर्स की लॉकर रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें कि हम बोलते हैं टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होने पर प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्स रिलेशन में होते हैं, वही ये है एक्चुअली, तो और कुछ नहीं। स्टूडेंट देखिए इसका यूज क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास प्रेशर है और वॉल्यूम है, दोनों ही हमारे कैसे टर्म्स है वेरिएबल, मतलब प्रेशर भी चेंज हो रहा होगा वॉल्यूम भी चेंज हो रहा होगा, क्योंकि हमारी कंडीशन सिर्फ टेम्परेचर पर है, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, अदर देन दिस क्वांटिटीज चेंज हो रही है, ठीक है, तो हमारी सारी क्वांटिटीज क्या हो रही है चेंज हो रही है सिर्फ टेम्परेचर को छोड़ के। सो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इस प्रेशर और वॉल्यूम दो का यहाँ पर वेरिएबल आए और दोनों का इंटीग्रेशन है, थोड़ा सा टफ इंटीग्रेशन, वैसे तो आप ऐसे इंटीग्रेशन क्लास ट्वेल्थ में कर लेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट नाम के टॉपिक से, लेकिन उसकी जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी, हम अपने कंडीशंस का इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं इस प्रेशर को वॉल्यूम की टर्म्स में कन्वर्ट कर दूँ, प्रेशर को अगर वॉल्यूम की टर्म्स में कन्वर्ट कर दूँ, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा जो कि वॉल्यूम का होगा, या इसे ऐसे समझिए अगर मैं आपको कहूँ एक्स स्क्वायर डी वाई, ऐसा इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है किसी भी मेथड से नहीं, क्योंकि आपका जो इंटीग्रेंड है वो एक्स का फंक्शन है और जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो वाई है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो ऐसी कंडीशन में या तो आप एक्स स्क्वायर को वाई की टर्म्स में लाएं या डी वाई को डी एक्स बनाए, तो ज्यादा जो हमारे लिए फ्रूटफुल रहेगा वो इसको हटाना रहेगा, इसको हटा दे, इसको किसकी टर्म्स में ले आए वाई की, तो पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा ही कुछ स्टूडेंट हम यहाँ पर करने वाले हैं, हम क्या करेंगे इस प्रेशर को एलिमिनेट करके वॉल्यूम की टर्म्स में लाएंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ से PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब है P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को मैं लेट सपोज K सपोज कर लेता हूँ K अपॉन V, तो प्रेशर की टर्म्स में मैं क्या लिखूंगा K अपॉन V, प्रेशर के प्लेस पर K अपॉन V लिखूंगा, तो K कॉन्स्टेंट के बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, मैंने कर दिया, और V क्योंकि वॉल्यूम है वो बाहर नहीं आ सकता क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो वो ऐसा हो और ये इंटीग्रेशन dW का W हो जाए। सो स्टूडेंट कॉन्स्टेंट हम आप समझ चुके होंगे।